छतरपुर जिले की बड़ा मेलहारा विधानसभा से कांग्रेस विधायक रामसिया भारती के नजदीकी ने मुगलवारी टोल प्लाजा पर तांडव देखने को मिला, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार बड़ा मलहेरा से कांग्रेस विधायक रामसिया भारती के करीबी तुलसी लोधी अपनी गाड़ी में हूटर बजाते हुए टोल प्लाजा पहुंचे। इस दौरान टोल प्लाजा के गेट देरी से खोलने में पर टोल प्लाजा के कर्मचारियों के साथ अभद्रता करने लगे। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने बनाया। पुलिस ने दो लोगों पर मामला दर्ज किया है। वहीं पुलिस मामले में तुलसी लोधी और मनीराम यादव सहित 3 से 4 अज्ञात लोगों की तलाश कर रही है। छतरपुर से मुकेश भार्गव की रिपोर्ट। ये टोल प्लाजा पे एक मामला थाना गुलगंज में आया था। एक कर्मचारी से दो लोगों ने गाड़ी देर से निकलने के ऊपर गाली गलौज की थी और इस पर टोल प्लाजा का जो वहाँ पे शायद प्राइवेटली काम करता है उस व्यक्ति की रिपोर्ट पर जो दोनों आरोपी गण हैं उनके विरुद्ध धारा 294-506 भारतीय दंड विधान के तहत थाना गुलगंज में प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है और इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। गुलगंज साइड से गाड़ी आई बोलेरो गाड़ी, उसमें तुलसी लोधी और मनी यादव जो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे वो थे, तो सायरन बजाया तो लड़के ने तुरंत खोल दिया। तुरंत खोलने के बाद ही वो वहाँ पे खड़के विवाद करने लगे। उसके बाद थोड़ी देर में जब विवाद हुआ तो ऑफिस से लोग भाग गए, तो उनको समझाया, समझाने के बाद भी उन्होंने गाली गलौज की और उसके बाद बोल के चले गए कि मैं आता हूँ, और उसके बाद वो चले गए। उसके तत्पश्चात वो 11:20 के लगभग दोबारा आए कई गाड़ियों से और फिर गाली गलौज कर दिया। उस समय मैं घर चला गया था तो मुझे लगातार वो गाली देते रहे कि उसको बुलाओ, वो ढूंढते रहे कि मिलेगा तो जान से मार देंगे।